अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे कराची हलवा, या इसे कॉर्नफ्लोर का हलवा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पानी और 1 कप कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम गैस पर रखेंगे। अब बस इसे हमने गैस पर रखा और इसे हमने लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे बस चलाते रहना है। इसे बिल्कुल भी हमें ऐसे ही नहीं रखना है, वरना ये जो है नीचे से लग जाएगा। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नींबू का रस। इससे कोई भी खट्टापन नहीं आएगा, बस जो हम शुगर डालेंगे वो इसमें नीचे नहीं लगेगी। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। टोटल हम 1 कप शुगर इसमें यूज़ करेंगे। इसे हमने बस रेगुलर चलाते ही रहना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, और जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर पकता रहता है वो ट्रांसपेरेंट होता रहता है, तो इसे हमने चलाते ही रहना है। जब कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये देखिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। टोटल हमने इसमें 6 टेबल स्पून घी यूज़ किया है। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 6 टेबल स्पून ही उसके। और इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। इसे चलाते रहना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी इसमें ऐड करते रहना है। घी डालते रहना है बीच बीच में और इसे चलाते रहना है जब तक कि इस मिक्सचर में अच्छी तरह से घी मिल ना जाए। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे, कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 4 मगज और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अब इस मिक्सचर से हम आधा मिक्सचर अलग कर लेंगे और आधे मिक्सचर में हम डाल रहे हैं रेड फूड कलर। ये ड्राई रेड फूड कलर को हमने पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया था और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। कलर आप लाइट या डार्क अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम कोई भी चीज़ लेंगे जिसमें आप इसे सेट करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी या ऑयल ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल दें थोड़े से काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। और इसके बाद जो ये हलवा है इसमें से सेट करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद जो आधा मिक्सचर बचा था उसे भी डालेंगे। इस प्रोसेस को आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वरना ये मिक्सचर सेट होने लगता है। और इसके बाद हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रहे हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी हम सेट कर देंगे। ये देखिए दोनों अलग अलग कलर के कराची हलवा बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें 1-2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 1-2 घंटे हो गए हैं और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसके पीस कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त था बॉम्बे कराची हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग बनाकर ज़रूर देखिए। इसे बनाने में हमें टोटल 30 मिनट्स लगे थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।